हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल ओनी को लेकर। ओनी की तबीयत नहीं ठीक तो उसका चेकअप करवाना है, तो फिर हम निकलते हैं बस घर से। Okay. ये ओनी बैठी है और इतनी ज़्यादा परेशान है, ये पता नहीं इसकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है यहाँ आके ना हॉस्पिटल में, और हेयरफॉल भी हो रहा है। हाँ जी, हेयरफॉल भी हो रहा है क्योंकि डिप्रेशन में है। डॉक्टर ने अभी टाइम दिया है 2 बजे का, अभी डॉक्टर आएंगे, उसके बाद इसका चेकअप वगैरह होगा। ठीक है। वैसे हम लोग ना इधर बैठ के बोर ही हो रहे हैं और हमें समझ भी नहीं आ रही कि हम क्या बनाएं ब्लॉग में। कल भी मैंने यही कहा था। मैं तो सुभाष को कह रही हूँ तुम इतना जाओ और हॉस्पिटल दिखा दो ब्लॉग में, लेकिन वो कह रही है नहीं मैंने नहीं जाना। और ये देखें उन्हीं कैसे बैठी है मेरे पास, इसको पता नहीं सर्दी लग रही है, मैंने इसको अपना पाया ढक दिया है। मेरी पोटली को कैसे छुप छुप के बैठ रही है, डरी हुई है बहुत ही ज्यादा। इतनी चलाक बनती है ना बाहर आके, और आज ये इतनी इनोसेंट बनी है। अब हमें ज्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि हम ऑलरेडी हेजल को खो चुके हैं और अब हमें इसकी भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। ये देखिए छोटी सी बकरी आई है, कितनी कमजोर हुई है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। ऐसे तो ले आओ, इसकी लेग में कोई इन्फेक्शन हुआ है, ये प्लांट के पीछे है, बिल्कुल नजर भी नहीं आ रहा सही तरह, पर इसकी लेग में कोई इन्फेक्शन हुआ है, पता नहीं क्या हुआ बेचारे। और ये भी आया है, इसको पता नहीं क्या हुआ है। पूरे 2 बज गए हैं और डॉक्टर साहब नहीं आए, वो अपनी बात पर पूरे नहीं उतरे और हमें तुम चीख लो पहले। और हम वेट कर रहे हैं और टाइम नहीं गुजर रहा बहुत, मुझे इतनी तेज़ प्यास लग रही है और हम घर से पानी लाना भूल गए थे और यहाँ पे पानी भी नहीं है। हम आ गए थे हॉस्पिटल से वापस, ओनी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस डॉक्टर ने कल को दोबारा बुलाया चेकअप के लिए, तो हमें कल को दोबारा जाना पड़ेगा। और दुआ कीजिएगा कि ओनी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और रास्ते में हमने आते टाइम गन्ने की रो पी थी, मुझे वो भी शूट करना याद नहीं रहा, और घर आके भी इतना ज़्यादा टाइम हो गया, खाना भी खा लिया, वो भी शूट नहीं किया, पता नहीं याद ही नहीं रहा, इतना थक गए हम के माइंड सेट है ही नहीं। कल जब सैम ने मुझे मेहंदी लगाई थी तो इफ्रा इससे नाराज हो गई थी क्योंकि इसने अभिया को भी लगा दी थी, मुझे भी लगा दी थी, और फिर इफ्रा कहती है हाँ सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है, तो फिर इस वजह से इसको इफ्रा को भी मेहंदी लगानी पड़ी थी। कल जब हमारा ब्लॉग कम्प्लीट हो गया था तो इसने बाद में इफ्रा को मेहंदी लगाई, इनफैक्ट दरमियान में लाइट भी चली गई जिसकी वजह से हम उसकी वीडियो शूट नहीं कर सके। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ इसने इफ्रा को मेहंदी कैसी लगाई है। तो ये सैम ने इसको मेहंदी लगाई थी, सिंपल सा और यूनिक सा डिजाइन है, और मुझे ये अजीब तरीन लगा दी थी और मेरा कलर देखें ऐसे डल हो गया जैसे पता नहीं 1 हफ्ता हो गया मुझे लगवाए हुए ना। और इसकी मेहंदी देखें माशाल्लाह कितनी प्रीटी लग रही है ना, और इसका कलर भी प्यारा है, इसका कलर भी प्यारा है, और मेरी दफा में इसने मेहंदी भी चेंज कर दी थी शायद, नहीं वो ना गलती से चेंज हो गई थी। चल छुट्टी। लास्ट में ना वैसे हम इसकी मेहंदी की पिक्चर्स भी ऐड कर देंगे, वहाँ आपको ज्यादा यानी कि पता चल जाएगा डिजाइन वगैरह का, वो ज्यादा प्यारी लग रही है क्योंकि वो ना कल की पिक्चर्स थी, पिक्चर्स तो हमने शूट कर ली थी, क्योंकि जो वैसे मेहंदी की पिक्चर्स बनाते हैं ना मतलब बगैर उतारे वो प्यारी लगती है ज्यादा, और ये वाली जो बनाते हैं ना इतनी खास नहीं लगती। और कल हमें हमारी लाइट ने बहुत ज्यादा जलील किया, कभी लाइट ऑफ कभी नेट ऑफ, जिसकी वजह से हमारा ब्लॉग भी कल बहुत ज्यादा लेट अपलोड हुआ है, आई थिंक 12 बजे के बाद अपलोड हुआ है हमारा ब्लॉग, तकरीबन 1:30 बजे सोए हैं रात को व्लॉग अपलोड करके, नेट इतना स्लो चल रहा था, अगर आ भी गया था ना नेट तो इतना स्लो था कि बहुत मुश्किल से हमारा कल का व्लॉग अपलोड हुआ है। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि कम से कम हमारा व्लॉग कल अपलोड हो गया, और हम जलीलो खुआर हो गए थे नेट की वजह से, हम बहुत ज्यादा जलील हुआ है। इनफैक्ट हमें तो टेंशन से नींद नहीं आ रही थी कि हमारा आज व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, मतलब इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, हम डेली व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, तो जाहिर है इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे हमने ना कोई बहुत बड़ा काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही और हमें टेंशन रह गया जैसे। सही है, तो इस वजह से हमारा व्लॉग लेट अपलोड हुआ था। तो जिन्होंने हमारा व्लॉग कल का नहीं देखा है तो काइंडली आज वो जाकर देख लें, क्योंकि बे टाइम अपलोड हुआ था तो काफी लोगों को शायद पता भी नहीं चला, या नोटिफिकेशन से जिनको पता चला भी होगा तो बे टाइम, जाहिर है जब टाइम ही चेंज हो जाए तो फिर काफी ज्यादा इशू बन जाता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारा कल का व्लॉग लेट अपलोड हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा काइंडली वो जाके जरूर देखें। ओके।
इफ्रा ने बनाई है चिकन कढ़ाई और इतनी टेस्टी लग रही है, देखें कितनी मज़ेदार लग रही है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा व्लॉग कल लेट अपलोड हुआ था, जिन्होंने कल का व्लॉग नहीं देखा तो वो आज का व्लॉग भी देखें और आज के साथ साथ कल का व्लॉग भी देखें और हम शॉर्ट भी अपलोड करेंगे उसको भी लाजमी साथ ही वॉच कर लिया करें। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपनी खास दुआओं में हमें और हमारी ओनी को याद रखिएगा। अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन लाजमी बोल दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और जो लोग चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। जरा सब्र करो। तो ये है वो पिक्स जो हमने कहा था हम लास्ट में ऐड कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।